कोरोना काल में आपदा को अवसर मानकर मरीजों को लूटने वाली फार्मेसी पर चला चिकित्सा विभाग का कार्रवाई का हंटर अब यू टर्न लेता दिख रहा है। खुद चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के निर्देश पर गठित कमेटी ने अनियमितताओं के आधार पर कुछ बड़े अस्पतालों समेत 30 से अधिक फार्मेसियों के लाइसेंस अलग अलग समय अवधि के लिए निलंबित किए हैं, लेकिन एक सप्ताह के भीतर ही विभाग ने इन्हें अपील के नाम पर स्टे देना शुरू कर दिया है। कोरोना महामारी के बीच राजधानी जयपुर में जरूरतमंदों से दवा, इंजेक्शन, अन्य मेडिकल संसाधनों के नाम पर मनमाने दामों की वसूली किसी से छिपी नहीं है। विभाग के मुखिया तक कई शिकायतें पहुंची तो मुख्यालय से एक जांच कमेटी का गठन किया गया। एडीसी दिनेश तनेजा के निर्देशन में गठित कमेटी में डीसीओ कोमल रूपचंदानी, मनीष मोदी के अलावा राजस्थान फार्मेसी काउंसिल के सदस्य नवीन सांधी को भी शामिल किया गया। इस टीम ने अब तक 60 से अधिक जगहों पर छापामार कार्रवाइयां की। इस दौरान कुछ बड़े अस्पतालों की फार्मेसी के अलावा कई मेडिकल स्टोर पर बड़ी अनियमितताओं का खुलासा हुआ। इसमें रेमडेसिविर, टॉसिलीजुमाब, इंजेक्शन के तय दाम से अधिक की वसूली समेत कई तरह की अनियमितताएं शामिल रही। टीम ने जांच रिपोर्ट के आधार पर 30 से अधिक फार्मेसी पर कार्रवाई करते हुए अलग अलग समयावधि के लिए निलंबन आदेश जारी किए। इन आदेशों के बाद से दवा कारोबारियों में जबरदस्त खलबली मची और इसके बाद उन्होंने अपील का रास्ता निकाला। विभाग के उप सचिव संजय कुमार को अपीलें दायर की गयी, जिसमें से अधिकांश को सुनवाई का हवाला देते हुए स्टे भी दे दिया गया है। दरअसल स्टे के रूप में जिन फार्मेसी को राहत मिली है उनमें दानाशिवम हॉस्पिटल की फार्मेसी, शेखावाटी हॉस्पिटल की फार्मेसी, इंटरनल हॉस्पिटल की फार्मेसी, सीकेएस हॉस्पिटल की फार्मेसी का नाम शामिल है। वहीं मोनो फार्मेसी, पद्मा मेडिकल, लाइफलाइन मेडिकल और हिना फार्मेसी का नाम भी शामिल है। कोरोना में कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का सच तो यह है कि अपील पर सुनवाई के नाम पर 10 फार्मेसी को स्टे दिया जा चुका है, जबकि श्री मेडिकल स्टोर के मामले में निलंबन अवधि को कम किया गया है, क्योंकि जांच कमेटी ने अनियमितताओं के आधार पर 10 दिन के लिए श्री मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निलंबित किया था, जबकि अपील में सुनवाई के बाद निलंबन अवधि को अब 5 दिन का कर दिया गया है। क्योंकि श्री मेडिकल के मामले में सुनवाई के दरमियान नोटिस में लगाए गए आरोप आंशिक रूप से प्रमाणित माने गए, साथ ही ये भी कहा गया कि अपीलार्थी ने आंशिक रूप से इन्हें स्वीकार भी किया है। कालाबाजारी में लिप्त लोगों को सुनवाई के नाम पर स्टे की राहत सभी के लिए चर्चा का विषय बनी हुई है। सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि खुद चिकित्सा मंत्री लगातार निर्देश दे रहे हैं कि कालाबाजारी में लिप्त लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। उन्हीं के निर्देश पर कमेटी ने जांच कर ऐसे काम में लिप्त लोगों का पर्दाफाश किया। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर अपील के नाम पर क्यों स्टे की राहत दी गई है। विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।